A very good evening to MNS Warriors and welcome to Crack MNS online classes. Students, yesterday we have covered Harappan civilization and the Stone Age. So Harappan civilization mein we were left with the last point, that was that cotton was discovered in Harappa civilization, and it is one of the important question. Cotton ki discovery Harappa Indus Valley civilization mein hui thi aur उसको सिंडन वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द आर्यंस, द वैदिक एज. आर्यंस आर अ क्लास ऑफ ट्राइब विच हैव कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, और वी कैन से दे हैव बेसिकली कम फ्रॉम साउथ रशिया टू सेंट्रल एशिया. जो ये आर्यंस थे दे वर सेटल्ड इन सप्त सिंधु, जो सेवन रिवर्स का लैंड था या जो फर्टाइल लैंड थी, सात नदियों का, इंडस, झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास, सतलज एंड सरस्वती, उनके समन्वय में जहाँ वो मिलती थी, जहाँ उस लैंड पे वहाँ पर ये आकर सेटल हुए थे. जो अर्ली आर्यंस थे वो नोमैडिक थे, और जो लेटर ऑन थे, जो बाद में कुछ समय बाद वो कल्टीवेटर बन गए, और उन्होंने नोमैडिक लाइफ, बंजारों की ज़िंदगी छोड़ के एनिमल हस्बेंड्री करना, कैटल्स को रखना, उनके रेयरिंग करना, पशुपालन करना शुरुआत कर दी थी. और आर्यंस में या ऋग्वेदिक एरिया में गाय की हत्या करना को अगण्य बोलते थे, और इसे बहुत ही बुरा माना जाता था. एंड ए पॉइंट ऑफ व्यू से ऋग्वेदिक से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रीवियस ईयर में देखा गया है. स्टूडेंट्स, वी विल बी कवरिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द बुद्धिज्म टॉपिक. आफ्टर कवरिंग ऋग्वेदिक, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, वी विल बी कवरिंग सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ऋग्वेदिक सोसाइटी, ऋग्वेदिक सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी थी जहाँ पर आर्यंस ने इस्टेब्लिश की थी, और वो उसमें इगेलिटेरियन सोसाइटी का मीनिंग है वहाँ पर सभी रिलीजन्स को सेम स्टेटस दिया जाता था, कोई डिफ्रेंसीशन नहीं होता था. ट्राइब को जना बोलते हैं, और जो मेल चाइल्ड होता था वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता था, क्योंकि वो कैटल के लिए, पशु के लिए लड़ता था, और सोसाइटी पैट्रियाकल थी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन ब्रीफ वी कैन से इन ऋग्वेदिक सोसाइटी द सोसाइटी वॉज पैट्रियाकल, रिलीजन वॉज इगेलिटेरियन, और जॉइंट फैमिली का पैटर्न था, और जो एल्डेस्ट मेम्बर था फैमिली का उसको कुलापा बोलते थे, कुलापा. ऋग्वेदिक सोसाइटी में फाइव थिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो असेंबलीज होती थी वो सभा, समिति, वो सभा, समिति, गणा और विधाता, और विधाता सबसे उसमें ओल्डेस्ट वन थी. जो समितीज थी उसमें सबसे ज़्यादा जो पूरे क्लेन होते हैं, जो पूरा ग्रुप होता है, क्लेन मतलब समूह होता है लोगों का, वो सारा इंक्लूड होता था. और सभा में सिलेक्टेड बूढ़े लोगों की सभा होती थी, मतलब उसमें बूढ़े लोग ही इंक्लूड होते थे. जो विधाता था उसमें इम्पॉर्टेंट कोई फंक्शंस होते थे उसके लिए होती थी, और जो चीफ होते हैं इन सब के उनको गोपति बोलते थे. वुमेन को सभा और विधाता में इन्वॉल्व किया जाता था. इम्पॉर्टेंट है कि वेयर वर वुमेन इन्वॉल्व ड्यूरिंग ऋग्वेदिक सोसाइटी, इन विच काइंड ऑफ असेंबलीज, तो आंसर विल बी सभा एंड विधाता. जो वज्रपति था वो ऑफिसर था पैश्चर का, और जो कुलापा था वो फैमिली हेड था, और जो ग्रामिनी था वो वार का. तो थ्री इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर हेयर, ब्रजपति, कुलापा एंड ग्रामिनी. सेनानी, एज वी ऑल नो, सेनानी वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, रिलेटेड टू आर्म्स एंड एम्यूनिशन, हु इज़ द हेड ऑफ द मिलिट्री. पुरोहिता फॉर द पुजारी एंड पंडित. सोशल डिवीज़न, जो वर्न है वो सब, जो वर्ण शब्द है उसका इस्तेमाल कलर के लिए होता है, और आर्यन ट्राइब्स स्पेशली फेयर होते थे, और ये इनहेबिटेंट्स, ये इनके जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे वो ओरिजिनली डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे. अर्लियर वैदिक एज में, जो 2000 से 1500 BC के बीच में स्प्रेड था, उसमें कोई कास्ट सिस्टम का एविडेंस नहीं मिलता है.
उसमें कोई फॉर्मर सोशल डिवीजन का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं मिलता है। जो पोजीशन ऑफ वुमेन है वो काफ़ी हद तक हाई मानी जाती है, काफ़ी हद तक उसको फेयर किया जाता है। इक्वेलिटी थी मैन और वुमेन के फंक्शंस में, उनके राइट्स में, उनके प्रोग्रेस में, या और 16 से 17 ईयर्स के बीच में मैरिज हो जाती थी। उसमें वीडो में वीडो रीमैरिज का भी रूल था, इवन वीडो वीडोज कैन आल्सो रीमैरिज, नियोग था, नियोग इज आल्सो चाइल्डलेस वीडो कैन इन कोहिबिट विद हर ब्रदर इन लॉ अनटिल द बर्थ ऑफ अ सन। पॉलीगैमी और पॉलीएंट्री बोथ एग्जिस्ट करते थे और वहाँ पर कोई पर्दा सिस्टम नहीं था। तो इन शॉर्ट वी कैन से ऋग्वेदिक सोसाइटी वॉज अ काइंड ऑफ मॉडर्न सोसाइटी गिविंग most of the important rights to females and it was a patriarchal society on one side. जो ऋग्वेदिक पीरियड है उसमें जो गॉड्स थे उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, और सबसे इम्पोर्टेंट गॉड थे इंद्र देवता। इंद्र देवता वॉज इम्पोर्टेंट बिकॉज देयर वर अराउंड 250 हाइम्स वर डेडिकेटेड टू लॉर्ड इंद्र, और उनको हम पुरंदर के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड इंद्र को पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। जो जितने भी किले होते हैं, फोर्ट्स होते हैं, और उनको डिस्ट्रॉयर बोला जाता है, वरुणा। वरुणा को कॉस्मिक, ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थे गॉड थे, और इनका रिलेशन है इज़ रिलेटेड विद द डिज़ायर ऑफ गॉड वरुण एंड वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड। मतलब जो भी संसार में घटित हो रहा है उसके साथ इनका अनुसरण किया जाता है, उनके साथ ही एसोसिएटेड है। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड वॉज गॉड फायर और गॉड अग्नि। इनको 200 हाइम्स डेडिकेट किए जाते हैं ऋग्वेदिक पीरियड में, और अग्नि को इंटरमीडिएटरी गॉड बोला जाता है। मतलब इनको बीच का भगवान, या जो हमारे बीच मैसेज कन्वे करता है गॉड और ह्यूमंस के बीच में, वो अग्नि देवता है। अगेन कमिंग बैक टू सोम को गॉड ऑफ प्लांट्स बोलते हैं। स्पेशल हाइम्स है ये, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दैट 9th मंडला ऑफ ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड 9th मंडला ऑफ ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू सोम। दयास इज फादर ऑफ इंद्र एंड अश्विन इज हीलर्स ऑफ वुंड्स एंड सर्जन। वी आर कवरिंग हेयर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम एग्जामिनेशन नॉट पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ कमिंग टू द लेटर वैदिक एज, इट कवर्स अ पीरियड बिटवीन 1000 BC टू 6000 BC। इसमें जो रिलीजन्स थे ऋग्वेदिक एज में, जो ये लेटर ऋग्वेदिक एज में, इसमें जो जितने भी गॉड्स थे उनके नंबर रिड्यूस हो गए थे, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे वो प्रजापति, विष्णु और रुद्र थे। जो पुषाण थे वो प्रोटेक्टर बन गए थे गॉड ऑफ शुद्रास के। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन लेटर ऋग्वेदिक एरा, इसमें जो प्रीस्ट था उनको पुरोहित बोलते थे, कमांडर इन चीफ, सेनापति, चैरियोटियर जो रथ को चलाते हैं उनको सुता, एंड ट्रेजरर संग्रहिता, टैक्स कलेक्टर बाघ दुघा, चीफ क्वीन महेसी एंड द गेम कंपेनियन अक्षवपा। सोशल लाइफ में भी वुमेन को फ्रीडम था, इंजॉय था, लेकिन जो उनका स्टेटस था वो डिटोरिएट हो चुका था एज़ कम्पेयर टू अर्लियर टाइम्स, और डिविजन हो चुका था, कास्ट सिस्टम स्टैब्लिश हो चुका था। ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, इन सब में डिविजन हो चुके थे, और इनका मेंशन हो चुका था कि उनका ओरिजिन कैसे होता है। जैसे द ब्राह्मणास फ्रॉम माउथ ऑफ पुरुष, द क्षत्रियास फ्रॉम हिज आर्म्स, द वैश्यास फ्रॉम हिज थाइस, एंड द शूद्रास फ्रॉम हिज फीट। 4 आश्रम्स वर ऑल्सो स्टैब्लिश्ड, एंड इट इज़ मैंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऐत्रेय ब्राह्मणा। इसके 4 स्टेजेस होते हैं, ब्रह्मचार्य, स्टूडेंट्स लाइफ, गृहस्थ, हाउस होल्डर जो हम गृहस्थ आश्रम बोलते हैं, वानप्रस्थ,
आरटीएल रिटायरमेंट, संन्यास से पहले वाला और संन्यास कंप्लीट रिटायरमेंट। वन ऑफ द रिलेवेंट टॉपिक और पार्ट फ्रॉम दिस ऋग्वेदिक इज द पोएट्री। द लेटर वैदिक पीपल यूज फोर टाइप्स ऑफ पोएट्री, ब्लैक, रेड वेयर, स्ट्रिप्ड एंड पेंटेड ग्रे वेयर। दिस इज सम काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग, रेड वेयर, ब्लैक स्ट्रिप्ड, पेंटेड ग्रे वेयर, मतलब पेंटेड ग्रे वेयर काइंड ऑफ पोएट्री इज एसोसिएटेड विद ऋग्वेदिक एरा। देर वर एट टाइप ऑफ मैरिजेस परफॉर्म्ड इन और वी कैन से प्रैक्टिस्ड इन ऋग्वेदिक एरिया। ब्रह्म, देव, अश, प्रजापति, गंधर्व, असुरस, राक्षस एंड पिचासा। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, ब्रह्म मैरिज इज अ मैरिज ऑफ अ ड्यूली डाउरी, मतलब डाउरी दे के अगर किसी व्यक्ति के साथ शादी करते हैं उसको ब्रह्म विवाह कहते थे। देव विवाह, इसमें जो फादर है होता है वो अपनी डॉटर को सेक्रीफाइस करके, मतलब वो एज एन गिफ्ट या फीस दे देता है किसी पंडित को, दान कर देता है अपनी बेटी को। अर्श विवाह, इसमें ब्राइड प्राइस लेते हैं, मतलब दुल्हन को एक काओ दिया जाता है और बुल दिया जाता है, मतलब टोकन ब्राइड प्राइस डाउरी के प्लेस में। प्रजापति है, इसमें फादर जो अपनी लड़की को बिना किसी डाउरी के, बिना किसी दहेज के या कुछ ब्राइड प्राइस बिना डिमांड करते हुए शादी करता है। और इस प्रजापति विवाह को सबसे पवित्र और सबसे अच्छा विवाह माना जाता था ऋग्वेदिक काल में। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह फेमस है क्योंकि यह लव मैरिज था और इसको हम एसोसिएट कर सकते गंधर्व विवाह को पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के विवाह से। असुर विवाह, जिसमें ब्राइड को उसके फादर से खरीदा जाता था। राक्षस विवाह, जिसमें कैप्चर करके और स्पेशली वॉरियर्स की या कह सकते हैं राजाओं की, मतलब जो युद्ध में हार जाते हैं उनकी बेटी से या उनकी रानियों से जो विवाह होता है। पचास विवाह, सबसे लो ग्रेड की शादी होती थी बिकॉज इसमें इंटॉक्सिकेटेड या मेंटली डिसबैलेंस्ड या हैंडीकैप्ड से शादी होती थी। वैदिक लिटरेचर, जो वेदा वर्ड है, वी ऑल नो इट हैज़ ओरिजिन फ्रॉम संस्कृत वर्ड कॉल्ड विद, एंड जिसका मतलब ही नॉलेज होता है, एक्सेलेंस को सिग्निफाई करता है। और लिटरेचर को मतलब किस तरह से डिवाइड किया गया है, लेट स्टडी इट। जो ऋग वेदा है उसके अंदर 1028 हाइम्स है, 1028 हाइम्स है, और इसमें काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट मंडलास है। जैसे नाइन्थ मंडला है वो सोम देवता के साथ या सोम के साथ एसोसिएटेड है। जो टेंथ मंडल है वो कंटेन्स करते हैं फेमस पुरुषोक्ता हाइम्स, जो स्पेशली फोर वर्नास हैं सोसाइटी के, चतुर्वर्णा थ्योरी उसको एक्सप्लेन करते हैं। गायत्री मंत्र इज द मोस्ट सेक्रेड हाइम ऑफ ऋग्वेदा, मेंशनड इन थर्ड मंडला, मतलब थर्ड मंडल में मेंशन है गायत्री हाइम्स का, और इसको रिटर्न किया है विश्वामित्र से। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस मंडल में एसोसिएटेड है और इसे किसने लिखा है और सिंगर कौन है ऋग्वेदी का? इट इज़ होत्री, द पर्सन हु हैज सेंग और हु हैज हम द ऋग्वेद इज द नेम ऑफ द पर्सन इज होत्री। Now starting with the kinds of Veda associated, the Yajurved. Yajurved मतलब हमने अभी ऋग्वेद के बारे में बात किया, and the second one is the Yajurved. Yajurved एक ritualistic वेद है। इसको Yajurved का association in simple terms we can understand, like इसमें जितने भी प्रोज या पोएट्री हो गए या हम्स हो गए या रिचुअल्स हो गए उसके बारे में डिस्कशन होता है। और इसके जो सिंगर है ये है अध्वर्या। जो समवेद है स्पेशली इसमें म्यूज़िक के साथ एसोसिएटेड होता है, तो सम का मीनिंग ही हो जाता है समावेद, म्यूज़िक के साथ एसोसिएटेड होता है। इसको रूट वेद मेलेडी या म्यूज़िक ऑलरेडी मैंशनड है, इसमें 1603 वर्सेस है बट 99 इसके ओरिजिनल वर्सेस हैं, और इसके सिंगर उद्गत्री हैं। अर्थवेद, अर्थवेद इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द
अर्थवेद सभी वेदों से डिफरेंट है। इसमें स्पेशली ब्लैक मैजिक या मंत्रास के मैजिकल मंत्रास के बारे में है। इसको हम अर्थवेद ब्लैक मैजिक के साथ एसोसिएटेड है। ब्लैक मैजिक कह सकते हैं, जादू टोना कह सकते हैं, और इसका प्रैक्टिस इसके इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। द ब्राह्मणास द आर्यांकास लेट्स कमिंग नाउ स्टार्टिंग विद द उपवेदास उपनिषद्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे पास्ट हमारे रामायण काल से या हमारे महाभारत जैसे ही ये भी एक ग्रंथ है जिसके बारे में कहा जाता है। इसमें काफ़ी मोरल लेसन्स होते हैं। जो बृहद्रनायक उपनिषद है, इट प्रोवाइड्स द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ़ द आइडिया ऑफ रीबर्थ, मतलब रीबर्थ कैसे होता है, पूर्ण जन्म कैसे होता है, उसके बारे में सबसे ज़्यादा इसमें है। और लेटर ऑन ये चंदोग्य उपनिषद में इसके बारे में डिटेलिंग है। ये स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल नेचर में होते हैं। वेदांगास दीज आर नॉट मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वेदांगास उपनिषद नाउ कमिंग टू द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एनडी एग्जामिनेशन एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जैनिज्म के फाउंडर महावीरा थे और उनका बर्थ 540 BC में हुआ था। वर्धमान नाम था उनका, चाइल्डहुड नेम वर्धमान था, और उनका जन्म कुंडल ग्राम नियर वैशाली ये जगह है वहाँ पर उनका बर्थ हुआ था। उनके फादर का नाम सिद्धार्थ था और वो क्षत्रिय क्लेन से बिलोंग करते थे। वो जिस क्लेन से, जिस जाति से बिलोंग करते थे या जिस वर्ण से बिलोंग करते थे, उनका नाम क्षत्रिय था। उनकी मदर त्रिशाला थी। उनका नाम जो त्रिशाला थी वो लच्छवी प्रिंसेस चेतका की सिस्टर थी, और उनकी बेटी की शादी बिम्बिसारा से हुई थी। अब बिम्बिसारा कौन था? बिम्बिसारा आने वाले आप पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री में अशोका का दादा था और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जैनिज्म की। जो महावीरा थे, मतलब जो महावीरा जो फाउंडर थे जैनिज्म की, उन्होंने एक साधुओं का ग्रुप ज्वाइन किया था जिनको निर्गंठास बोलते थे, व्हाट वी कॉल, उनको निर्गंठास बोलते थे। और जो पारसा थे वो इसके फाउंडर थे। महावीरा ने परफेक्ट नॉलेज या इसको कैवल्य बोलते हैं, कैवल्य को किस ट्री के नीचे बैठ के अटेन किया था परफेक्ट नॉलेज को? साल का वृक्ष था जो कि एक विलेज था, जिम्भिक्रगमा। ये रिवर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, रिजुपालिका रिवर है, उसके किनारे बैठ के उन्होंने साल के ट्री के नीचे बैठ के उन्होंने परफेक्ट नॉलेज कैवल्य अटेन किया था। और उनकी मृत्यु हुई थी 72 ईयर्स में, 72 साल में, पावापुरी में नियर राजगीर। राजगीर एक जगह है बिहार में, वहाँ पर उनकी 468 BC में 72 साल की उम्र में उनकी वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे या उन्होंने समाधि ली थी। महावीरा के डेथ के बाद चंद्रगुप्त मौर्य या फाउंडर चंद्रगुप्त एम्पायर है उनका, मतलब कह सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर थे। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज डाई हार्ड फॉलोवर ऑफ जैनिज्म। और उस टाइम ये बात हो रही है कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्ट्स की या फिर कह सकते हैं फॉलोवर की, जो उसमें भद्रबाहु नाम के जो फॉलोवर थे वो डेक्कन तक साउथ तक गए थे। श्रवण बेल का एक नाम है जगह, या तो वो
साउथ में लेके चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य को, वहाँ पर उन्होंने संलेखना विधि से अपने जान को या अपनी मृत अपने प्राण त्यागे थे। और जो शतुलभद्र थे, जो दूसरे गुरु थे जैनिज्म के, वो नॉर्थ में रह गए थे और वो श्वेतांबर थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, क्योंकि जैनिज्म का डिविज़न हो चुका था, एक श्वेतांबर थे और दिगांबर थे। जो दिगांबर थे उनके हेड थे भद्रबाहु, जो साउथ चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य को लेके, काफ़ी सीवियर फेमाइन आ गया था। जो दूसरे थे शतुलभद्र, वो नॉर्थ में रह गए थे और उन्होंने वाइट गारमेंट्स को अपना लिया था, उनको दिगांबर और ये श्वेतांबर्स। आई होप अब तक का जितना भी पढ़ाया है आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो तो काइंडली कमेंट। देर आर 24 तीर्थांकर्स, मतलब 24 तीर्थांकर्स थे, 24 फॉलोवर्स थे बहुत इम्पॉर्टेंट, जिन्होंने जैनिज़्म की हिस्ट्री में या उसको बनाने में या उसके इस्टेब्लिशमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जैनिज़्म में तीन फॉर्मूले कह सकते हैं या तीन नियम कह सकते हैं जो निर्वाणा मुक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट थे। मुक्ति के लिए जो तीन नियम इम्पॉर्टेंट थे जैनिज़्म में, वो थे राइट फेथ, सम्यक विश्वास, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, राइट कंडक्ट, सम्यक कर्म। आई रिपीट, थ्री रत्नास ऑफ जैनिज्म वर राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट फ्रॉम जैनिज्म इज कि जैनिज्म में कौन सा लैंग्वेज फॉलो किया जाता था, या जो उनके स्क्रिप्ट्स थे वो किस लैंग्वेज में लिखे गए। तो वो प्राकृत में लिखे गए थे, जिसको अरध मगधी भी कहा जाता है। मगध वॉज अ प्लेस ड्यूरिंग महाजनपदास इन लोकेटेड इन करंट बिहार, तो उसको अरध मगधी या प्राकृत भाषा में वो लिखा जाता था। फाइव टीचिंग है जैनिज्म की जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और आज भी अगर इसको फॉलो किया जाए तो वन कैन लीड अ वेरी हैप्पी एंड बैलेंस्ड लाइफ। अहिंसा, त्रुत, अपरिग्रह, मतलब किसी का कोई भी पोसेशन नहीं रखना, असत्य, नॉन स्टीलिंग, और ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, ब्रह्मचार्य। द फर्स्ट फोर प्रिंसिपल्स किसने दिए थे, पार्श्वनाथ ने दिए थे, और लास्ट का जो प्रिंसिपल है वो ब्रह्मचार्य महावीरा ने ऐड किया था। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वॉट वॉज द प्रिंसिपल और वॉट वॉज द लास्ट टीचिंग विच वॉज एडेड बाई ब्रह्मचार्य महावीरा, तो इट वॉज ऑब्जर्व कंटेनेंस, ब्रह्मचार्य। जैन काउंसिल्स, जो फर्स्ट जैन काउंसिल था वो पाटलिपुत्र बिहार में हेल्ड हुआ था, और ये शतुलभद्र के प्रेजेंस में हुआ था। जो श्वेतांबर थे या जो नॉर्थ में जिन्होंने श्वेत वस्त्र पहन के जैनिज्म का प्रचार प्रसार किया था, उनके प्रेजेंस में फर्स्ट प्रिंसिपल हेल्ड हुआ था, और इसको कंपाइल किया गया 12 अंगाज में, और रिप्लेस किया गया जो पुराने 14 पूर्वास थे, 14 पूर्वास को रिप्लेस करके 12 अंगाज स्क्रिप्ट कह सकते या प्राकृत या अरध मगधी में लिखा गया था। जो सेकेंड हुआ था वो वल्लभ भी एक जगह है गुजरात में, 512 एडी में हुआ था, और इसका लीडरशिप किया था देवर्धी ने, और इसका रिजल्ट ये हुआ था कि 12 अंगाज जो पहले कंपाइल हो चुके थे पाटलिपुत्र में फर्स्ट शेड्यूल में, और इस पर हुए थे 12 उपांगाज। तो व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द टू सेशंस और वीकेंड से मीटिंग्स ऑफ जैनिज्म एंड दैट वर 12 अंगाज एंड 12 उपांगाज। जैन लिटरेचर, तो जैन लिटरेचर में वन मस्ट बी अवेयर ऑफ द बुक्स दैट इज 12 अंगाज, 12 उपांगास, 10 प्रिकरणास, 6 चैतदस्त्रास एंड 4 मूलास्त्रास एंड 2 शुत्र ग्रंथास। ये सब पाली लैंग्वेज में लिखे गए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट जो सेक्रेट बुक्स थे जैनिज्म धर्म के, वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। स्टूडेंट्स, वी आर डन विद द जैन लिटरेचर एंड ऋग्वेदिक पीरियड। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कंप्लीटिंग द बुद्धिज्म, हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड हिज टीचिंग्स। थैंक यू।